ने सोशल मीडिया पर लगाम डालने की तैयारी कर दी क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं उमर चीमा ने आम तफसराम शेयर कर दी सीनियर उमर चीमा ने इनक किया कि ने मीडिया पर लगाम डालने की तैयारी कर दी है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक द न्यूज़ को चार मुख्तलिराये से मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए इंटरनेट सर्विस फ्राह्म करने वाली मुख्तल कंपनियों में एक कौमी फायर वॉल इंस्टॉल नस्ब किया जा रहा है ताकि नापसंदीदा मवाद को वसी तेट सार्फिन तक पहुंचने से रोका जा सके एक मॉक जरिए ने पर तस्दीक की है कि ये फायर वॉल खरीदा जा चुका है और अब इसे इंस्टॉल किया जा रहा है पाकिस्तान पहले ही ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है लेकिन इसे सिर्फ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया एप्स को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था 2013 में कनाडा की कंपनी नेट स्वैपर की फायर फिल्टर्स इंटरनेट सर्विस फ्राम करने वाले सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड ने इंस्टॉल किए थे ये कंपनी पाकिस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ने वाली सब केबल्स में पैंसठ से ज्यादा की शेयर होल्डर है ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्य इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के सामने आने वाली मालूम का जायजा लिया जा सकेगा और इसकी निगरानी की जा सकेगी रिपोर्ट के मुताबिक इस मनसूबे से आगाह एक सरकारी अहदेदार का कहना था कि कौमी फायर वॉल दो मकासद को पूरा करेगी इन मकाम की निशानदेही करेगी जहाँ से प्रॉपीगेंडे का मवाद शुरू हो रहा है और साथ ही इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकेगा या फिर इस तक रसाई महदूद कर दी जाएगी उन्होंने राय पेश करते हुए कहा कि बुनियादी मकसद प्रॉपिगेंडा करने वाली तक पहुँचना और बुराई को जड़ से खत्म करना होगा ये फायर वॉल फिल्टर फेसबुक यूट्यूब और एक्स यानी एक्सिका ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए होंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के गलत इस्तेमाल को रोकने की तैयारी भी हो रही है क्योंकि हुकूमत इस बात को लाजमी करार दे सकती है कि वीपीएन के इस्तेमाल से कबल पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को आगाह किया जाए बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वाला मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत की जानते कई माह से ट्विटर को ब्लॉक किए जाने के बायस शहरी वीपीएन के जरिए यह सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं

ऐसा का ही, ही एक मतलब पाकिस्तान के अकाउंट की बंदिश था मेजर रिटायर्ड आदिल डाटा इस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे हालांकि वह तंजीम के नहीं थे और उन्होंने अकाउंट वापस करने से इनकार कर दिया था यही नहीं वो इस हैंडल से सबक फौजियों की जानेब से मौजूदा फौजी क्यादत की मजामत करते हुए ट्वीट भी करते थे पहले ट्विटर वाले अकाउंट बंद करने के लिए पी टी आई की दरखास्तों को अगेन पहले ट्विटर वाले अकाउंट बंद करने के लिए पी टी आई की दरखास्तों का जवाब तक नहीं देते थे लेकिन अब वो हमारी बात सुन रहे हैं